दोस्तों ये है स्कूल के बच्चों के बेल्ट है, कमर बेल्ट है जो पैंट पहनते हैं पैंट के ऊपर लगाने के लिए, स्कूल के बच्चों के बेल्ट है। अब आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग तरह की क्वालिटियाँ आती है, कम रेट वाली, ज़्यादा रेट वाली। जैसे ये है, ये बेल्ट का आप पट्टी देखिए तो पूरा आपको दिखेगा, देखिए पूरा ये सिल्क वाला जो है दोनों तरफ प्रिंटिंग वाला है, मतलब ये जो प्रिंट है नेवी ब्लू कलर है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे नेवी ब्लू है, दोनों तरफ प्रिंट है। कुछ निवार ऐसी आती है जिसमें बैक साइड पीवीसी होती है वाइट कलर की, और इस तरफ सिर्फ धागे वाला जो प्रिंट होता है जैसे कि नेवी ब्लू, रेड, नेवी ब्लू, उस तरह का होता है। तो इसमें भी अलग अलग तरह की क्वालिटी। ये साटन बेल्ट है, ये साटन मटेरियल है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए सिलाई करके, यहाँ पे आप सिलाई देख सकते हैं, स्टिचिंग किया हुआ है और ये कड़ी लगाई हुई है। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ तो स्लाइडर भी लगा हुआ है जिससे आप साइज़ बड़ी छोटी कर सकते हैं। ये जो स्लाइडर है इससे क्या होता है, जो साइज है वो बड़ी छोटी होती है, यानी कि फिक्स जो करनी है साइज तो इससे होती है। ये बक्कल है, आप देखिए ये पाउडर कोटिंग बक्कल है जिसपे, ये लोहे का ही बक्कल है, इसके ऊपर पाउडर कोटिंग किया हुआ है। और यहाँ पे स्कूल का लोगो लगाया, और उसके लोगो लगाने के बाद उसके ऊपर पूरा क्रिस्टल लिक्विड लेमिनेशन से पूरा लेमिनेशन करके प्रिंट को सील किया गया है, यानी कि पानी में अगर भीगता है तो प्रिंट निकलती नहीं है, प्रिंट यहाँ पे सेफ हो जाती है और क्वालिटी में कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्वालिटी इसकी जो है वो हाई क्वालिटी है। बेल्ट की पट्टी की बात करें तो पट्टी भी आपको देखिए हाई क्वालिटी की मिलती है। अब कलर की अगर बात कर ले तो इसमें कलर जो है, जैसे ये नेवी ब्लू, रेड नेवी ब्लू है, इसमें अगर आप चाहे अपने यूनिफॉर्म का कलर, अपनी टाई का कलर, अपने शर्ट का, स्टूडेंट के शर्ट यूनिफॉर्म के कलर के साथ मैच करना चाहते हैं तो अलग अलग कलर की बेल्ट की ये पट्टियाँ भी आपको लगा के दे सकते हैं। आप अपना कलर बताएंगे, जैसे ये नेवी ब्लू, वाइट नेवी ब्लू करना है, या ग्रीन वाइट ग्रीन करना है, या फिर यहाँ पे मेहरून वाइट मेहरून करना है, या रेड वाइट रेड करनी है, या फिर आपको कोई और कलर जैसे ब्राउन वाइट ब्राउन करना है, तो या फिर नेवी ब्लू येल्लो नेवी ब्लू करना है, तो जिस तरह का आपको चाहिए, जो कलर आपको चाहिए उस हिसाब से ये पट्टी तो इसमें लगाई जाती है, तो वो आपके यूनिफॉर्म का जो कलर है उसके साथ इसको मैच करवाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पट्टियाँ भी, ये जो सिल्क वाली है साटन पट्टी है, तो साटन पट्टी थोड़ा महंगा होता है। इससे कम रेट वाला बेल्ट बनाना है तो बैक साइड पीवीसी आता है, यहाँ पे आपको कलर देखने को मिल जाएंगे जो आपके यूनिफॉर्म के साथ मैच करते हो, ठीक है। क्वांटिटी की अगर बात करो तो इसमें मिनिमम 100 पीस का ऑर्डर लिया जाता है, 100 पीस बनाया जाता है, 100 पीस से कम नहीं बनाया जाता है, ठीक है। बाकी और ज़्यादा क्वांटिटी है वो बन जाती है, लेकिन 100 पीस आपको मिनिमम ऑर्डर करना पड़ता होता है। साइज़ की बात की जाए तो इसमें साइज़ कैसी होती है कि जो पूरा बेल्ट है, पूरे बेल्ट की जो लेंथ होती है वो लेंथ होती है 60 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। तो आपके जिस तरह से क्लास के बच्चे होते हैं, जैसे नर्सरी 1 KG, UKG, LKG वाले बच्चे होते हैं या फर्स्ट क्लास का बच्चा होता है, तो उसके लिए 60 सेंटीमीटर की जो बेल्ट की लेंथ होती है वो चल जाती है। फिर जैसे बच्चों की उम्र के साथ, जैसे सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास हो गए तो वहाँ पे 65 सेंटीमीटर तक के बेल्ट आपके चल जाएंगे, फोर्थ तक आपके 65 सेंटीमीटर चल जाएंगे, फिर फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ वाले जो होते हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ वाले जो क्लास के बच्चे होते हैं उनके लिए 70 सेंटीमीटर आप बनवा सकते हो। तो आपके, आपको साइज़ का नहीं पता है तो आप क्लास वाइज संख्या भी हमें बता सकते हो कि UKG LKG नर्सरी के इतने बच्चे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड के इतने बच्चे, 4, 5, 6 के इतने बच्चे, तो उस हिसाब से हम साइज़ बना के आपको दिया जाता है। यहाँ पे अगर बात करें पैकिंग की तो आप पैकिंग देख सकते हैं, तो पूरे 10 बेल्ट जो होते हैं उसको इस तरह से पॉलीथीन में पैक किया जाता है और इसको फिर बॉक्स में पैकिंग करके आपके एड्रेस तक उपलब्ध करवा दिया जाता है। इंडिया पोस्ट, डिलीवरी कुरियर, ईकॉम एक्सप्रेस जैसी बहुत सारी कुरियर सर्विसें, डाकघर, डाकघर पार्सल सुविधा, सारी सुविधाएं हैं जो इंडिया में आपके कोई से भी एड्रेस तक पहुंचाने में आसानी से पहुंचा देगी। अच्छे से पैकिंग किया जाएगा, बारिश में भीगेगा नहीं, टाइम टू टाइम आपकी डिलीवरी होगी, ठीक है। तो ये अगर आप इसके बारे में अगर कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप देखिए स्क्रीन के ऊपर एक व्हाट्सअप नंबर है, वही हमारा कॉलिंग नंबर भी है, आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और
इस बेल्ट के बारे में आप जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।